नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ सिंगी फिश। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो सिंगन फिश ले लिया है और इसे बहुत अच्छे से धो करके हल्दी नमक मिला के रख दिया था 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है और मैं इसे आलू डालकर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं आलू फ्राई करना नहीं दिखा पाई आपको, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आलू मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, अभी मछली को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने उसी तेल में और मछली को डाल दिया है। ये अच्छे से उलट पलट करके हमने इसे फ्राई भी कर लिया है सारी फिश को और निकाल भी लिया है। तो चलिए अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पतला झोल बनाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, तरी वाला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जीरा, एक सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक हरी इलायची को डाल दिया है और तड़का अच्छे से चटक गया है। फ्रेंड अभी हमने एक प्याज को लिया था बड़े साइज़ का, उसको छोटा छोटा करके काट के रखा था, उसे डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं, प्याज हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। फ्रेंड्स हमने 2 टमाटर लिया था, छोटा छोटा करके काट लिया था, उसे भी डाल के हमने भून लिया है, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर। हमने थोड़े से मसाले डाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, आप देख सकते हैं। और सारे मसाले को अच्छे से हम भून लेते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। फ्रेंड्स एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मसाला अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम हाई फ्लेम करके और मसाले को भून लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मसाला अच्छे से भूनेंगे तब ये तेल छोड़ देगा, तब हम आलू को ऐड करेंगे। तो मैंने ढक दिया था 2 मिनट के लिए, आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भून गया है। मसाला जितने ही अच्छे से हम भूनेंगे उतने ही इसका टेस्ट बढ़ता है फ्रेंड। तो अभी मसाला भी अच्छे से भून चुका है और अभी हम फ्राई किया हुआ आलू को ऐड कर देते हैं। सारे आलू मैंने डाल दिया है मसाले में और मसाले के साथ में आलू को भी अच्छे से भून लेते हैं। जितने ही अच्छे से हम भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी इस तरीके से बनाइएगा और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आलू और मसाले भून गए हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले वीडियो में बोला था कि थोड़ा तरी वाला बनाएंगे, ग्रेवी वाला पतला झोल बनाएंगे। तो पानी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके, और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, हमने नमक पहले भी डाला था तो नमक को हिसाब से ही डालेंगे स्वाद के अनुसार। और अच्छे से मिक्स कर दिया है, ढक्कन को ढक दिया है 3-4 मिनट के लिए, अच्छे से उबाल आ गया है। आलू को एक बार चेक कर लेंगे, आलू पहले ही हमने जब फ्राई किया था हाफ फ्राई हो गया था और अभी ये अच्छे से पक गया है। ये देखिए कट रहा है आलू, बहुत अच्छे से पक गया है। तो फ्राई किया हुआ फिश को ऐड कर देंगे, सारी फिश मैंने ऐड कर दी है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये सिंगी फिश को जितना भी चलाओगे ना आप बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, इसी तरीके से मागुर माछ भी होता है। तो अभी हमने सारी फिश को ऐड कर दिया है, साथ में मैंने हरी मिर्च को भी डाला है, 2-3 हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा के इसे डाल दिया है। तो अभी हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। आइए फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी को देख लेते हैं। तो ये अच्छे से पक चुकी है, एक बार हम और इसे चला देते हैं और अभी इसे हम ढकेंगे नहीं, 2-3 मिनट इस तरीके से चलाते हुए इसे खुले में ही पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी हम इसमें लास्ट में गरम मसाला डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच। बहुत अच्छे से आलू भी पक गया है और फिश भी पक गई है। तो अभी हम इसमें हरा धनिया भी ऐड करेंगे, हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा आप भी, हरा धनिया से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं लास्ट का लुक इसका कितना अच्छा आया है, पतला झोल बनकर रेडी हो गया सिंगी माछ का।
तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे गैस भी बंद कर दिया है। सिंगी फिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, इसमें खून बढ़ता है, आयरन मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपके यहाँ पे सिंगी फिश मिले तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।